कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इससे कई लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी लोन की सुविधा शुरू की है। ये लोन लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट में ही ये लोन आपके खाते में आ जाएगी। ये इमरजेंसी लोन सिर्फ SBI ग्राहकों के लिए ही है। अगर आपको भी पैसे की ज़रूरत है तो आप भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ने कहा है कि लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने तक किस्तों देने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी आप अगर मई के महीने में SBI से इमरजेंसी लोन लेते हैं तो आपके अक्टूबर तक EMI का भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपकी EMI 6 महीने के बाद से ही शुरू होगी। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों से 10.50% की दर से ब्याज देना होगा। लोन के लिए 24 घंटे 7 दिन में कभी भी आवेदन किया जा सकता है। स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। अपने रजिस्टर नंबर से PAPL स्पेस अकाउंट नंबर की आखिरी 4 अंक लिखकर 567676 पर सेंड करना होगा। अब बैंक की ओर से आपको मैसेज के जरिए बता दिया जाएगा कि आप लोन के योग्य है या नहीं। योग्य ग्राहकों को 4 प्रोसेस में लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको इसके बाद SBI के ऐप में OVL नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको इसके बाद SBI के ऐप में अवेल नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लोन की समय अवधि और अमाउंट सेलेक्ट करें। इसके बाद में रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा, इसे डालते ही पैसा आपके खाते में आ जाएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक स्पेशल लोन योजना शुरू की है जिसका लाभ कोई भी स्वयं सहायता समूह ले सकेंगे। इसके तहत SHG को 9.4% का सालाना ब्याज पर ऋण मिलेगा और उसके लिए कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। यह योजना 30 जून 2020 तक के लिए मान्य है। इस योजना में किसी स्वयं सहायता समूह के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये का लोन मिल सकेगा। साथ ही समूह का प्रत्येक सदस्य 5,000 रुपये तक का लोन ले सकेगा। यह लोन लेने के लिए सीधे बैंक की शाखा में आवेदन करना होगा। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने ग्राहकों के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए खास पर्सनल लोन लॉन्च किया है। कोरोना महामारी के कारण जिन्हें रुपयों की जरूरत है वह इसका लाभ ले सकते हैं। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकेगा। इसके लिए ग्राहकों को अपने बैंक की शाखा में जाना होगा। स्कीम 30 दिसंबर 2020 तक मान्य है। BOB के वेबसाइट के अनुसार बैंक की इस सुविधा को लाभ वह ग्राहक ले सकेंगे जिन्होंने होम लोन, लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या ऑटो लोन लिया हुआ है। इसके साथ ही उनका क्रेडिट स्कोर 650 या फिर इससे ज़्यादा है। इसके अलावा ग्राहक का बैंक के साथ कम से कम 6 महीने से संपर्क हो। लोन के ब्याज दरें रेपो दर से लिंक्ड है। फिलहाल रिटेल लोन के लिए लागू BRLLR 7.25% है जो बदलती रहती है। यह लोन आपको 5 साल में चुकाना होगा। अधिकतम जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल साइट पर जान सकते हैं आप। उसके अलावा SBI ने एग्री गोल्ड लोन स्कीम भी शुरू की है। इसके तहत किसान सोने की जेवर देकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोन ले सकेंगे। लॉकडाउन के बीच 5 लाख किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया भी है। लोन के लिए अप्लाई करने वाले किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए। उस कृषि भूमि की फर्द की कॉपी बैंक में देनी होगी। लोन पर 9.95% सालाना ब्याज का वसूला जाएगा। किसी भी ग्रामीण शाखा पर जाकर इसे अप्लाई किया जा सकेगा। इसको योनो ऐप के माध्यम से भी अप्लाई किया जा सकता है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। योजना में यह भी सुविधा दी गई है कि अगर किसी किसान के नाम कृषि भूमि नहीं है लेकिन उसके नाम ट्रैक्टर है तो उस ट्रैक्टर के आधार पर ही जेवर बैंक में जमा करवा कर लोन लिया जा सकता है। ट्रैक्टर की RC उस किसान का नाम होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।